सकते हैं ये हमारा पराठा कितना मस्त बना होगा, एकदम हेल्दी पराठा है और बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सुबह का नाश्ता आप बना सकती हैं एकदम झटपट, और ज़्यादा टाइम भी नहीं, खाने में एकदम एक नंबर का लगेगा। तो आप इसको सॉस के साथ खा सकती हैं, चटनी के साथ खा सकती हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं बिना चटनी का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुबह का नाश्ता, एकदम हेल्दी नाश्ता और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बच्चों को टिफिन ले जाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक मीडियम साइज का गाजर ली हूँ और एक मीडियम साइज का प्याज है, ये अदरक है, ये मिर्चा है और ये पत्ता गोभी है। अगर आप और सब्जी इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जो इस टाइम हमारे पास इतना ही था तो इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम, जो ये पत्ता गोभी है, इसको ग्राइंड करेंगे तब हम परेठा बनाएंगे एकदम एक नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्ता गोभी है, इसको मैं ग्राइंड कर ली हूँ, एकदम दरदरा सा है। और इसमें अब हम प्याज डालेंगे, इसको भी एकदम बारीक बारीक कट की हूँ। और ये है गाजर, ये है हरा मिर्चा, अदरक। तो ये बाइंडिंग करने के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच। और इसमें डालेंगे हम अरारोट 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी से ऐसे डो लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे इसको अच्छे से मसलेंगे तो एकदम पानी छोड़ने लगेगा सब्जियों में से। तो ये देखिए पानी छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इसको ऐसे क्रश करके डालेंगे। और आप और तीखा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मैं लाल मिर्च का पाउडर नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच ले जाने के लिए, ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। तो अब चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, ये हमारा डो तैयार हो गया है। तो हम परेठा बनाने के लिए ये पैन रख दी हूँ और इसमें हम लगाएंगे घी। तो आप चाहे इसको तेल में भी बना सकती हूँ, घी में बना सकती हैं, आपके पास जो है उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो देखिए अच्छे से हम घी लगा लिए हैं और ये जो डो है इसको हम इस पे रख देंगे और हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे। तो इसको हम ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा मोटा करेंगे, एकदम मीडियम ही करेंगे। और यहाँ पे एकदम लो फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रहेगा। तो देखिए हमको इस तरह से ये परेठा बनाना है। तो इसको ऐसे किनारे किनारे से एकदम गोल कर दीजिए और इसमें हम थोड़ा सा और तेल घी लगा देते हैं कि एकदम अच्छे से पक जाए। और मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है, इसको इस तरह से ऐसे ऐसे हिला देंगे। तो इसको हम 2 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद से इसको हम पलट देंगे। इसको अब हम पलट देते हैं। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा सावधानी से ही पलटेंगे, तो हम इस तरह से इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इसको कलर आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा और हम घी लगा देते हैं कि दोनों साइड से एकदम अच्छे से पक जाए। तो इसको हम एकदम अच्छे से अलट पलट के इसको पका लेंगे। तो देखिए इधर से भी हम पलट देते हैं, इधर से और अच्छा हो जाए। तो ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है, एकदम टेस्टी पराठा और एकदम हेल्दी पराठा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब गैस को हम बंद करते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और हम टिफिन में इसको रख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।